हेलो गाइज भाई, मैं हूँ राय और मिस्टर जेड इंडियन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब भी दिवाली आने वाली है और दिवाली के ऊपर हम कुछ भी स्पेशल नहीं करें ऐसा तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। और गाइज आप देख सकते हैं हमारे पास एक सूतली बम है और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज का है। तो गाइज आज हम बहुत ज़्यादा बड़े वाले सूतली बम का टेस्टिंग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फटाफट से सूतली बम को ले आओ, लगता है कोई नहीं लेकर आएगा, मुझे ही लेकर आना पड़ेगा। भाई जी हमारा मॉन्स्टर वाला वीआईपी और आज इस वीआईपी की हम टेस्टिंग करने वाले हैं। और गाइस तो आप इसका साइज देख सकते हैं कितना बड़ा साइज है। और इसको मैंने टिन के बॉक्स के ऊपर सूतली लगाकर इसको बनाया है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है गाइस। इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फटाफट से इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस इसके अंदर अभी भी कोई भी ब्लास्ट वाली जो सामग्री है ना को इसके अंदर लोड नहीं किया गया है। और इसके अंदर हम पहले फ्यूल लोड करेंगे, बाद में इसको हम ब्लास्ट करने वाले हैं। और वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। तो फटाफट से इसके अंदर फ्यूल लोड करते हैं और बाद में इसकी टेस्टिंग करते हैं। और गाइस आप इस तरह का बिल्कुल भी ट्राई करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये मॉन्स्टर वीआईपी है, इसके अंदर हम फ्यूल बनाने के लिए इसको गैस की सहायता से ब्लास्ट करने वाले हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा बारूद तो हमारे पास है नहीं कि इसके अंदर डालकर उसको सूतली बम की तरह ब्लास्ट कर सके। और इसके लिए हमें इसके अंदर गैस बनानी पड़ेगी और गैस की सहायता से हम इसको ब्लास्ट करने वाले हैं। तो हम इसको हाइड्रोजन गैस की सहायता से ब्लास्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम रोल का यूज कर रहे हैं और इसके साथ कास्टिक सोडा है जो कि दोनों का रिएक्शन होने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और उसकी सहायता से हम इसको ब्लास्ट करने वाले हैं क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गैस होती है और इसका धमाका भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो गाइज आप इस तरह का दिवाली के ऊपर कुछ भी ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और आप इस वीडियो को देख ही संतुष्ट हो सकते हैं। तो फटाफट से इसके अंदर गैस बना दें और फिर इसको ब्लास्ट करते हैं। अब इसके अंदर गैस बनाना स्टार्ट करते हैं, इसलिए जो टिन का बॉक्स है इसके यहाँ पे एक होल है, कास्टिक सोडा है इसको डालने वाला हूँ। और गाइज मैं सेफ्टी के लिए जो ग्लव्स पहन लेता हूँ क्योंकि जो केमिकल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, हाथ को भी जला सकते हैं। तो मैं सेफ्टी के लिए इसको पहन लेता हूँ, हम सेफ्टी के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। और इसके अंदर जो कास्टिक सोडा है इसको डालते हैं और इसके बाद इसके अंदर एल्यूमिनियम डालेंगे और जब इसके ऊपर पानी डाला जाएगा तो दोनों का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 4 या 5 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस बन जाएगी और उसको बाद में हम रिमोट कंट्रोल की सहायता से उसको ब्लास्ट कर देंगे क्योंकि पास में रहकर ब्लास्ट करने पर तो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए हम दूर बैठे रिमोट की सहायता से इसको ब्लास्ट करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने एल्यूमिनियम की यहाँ पे बॉल बना ली है और इन जो बॉल्स हैं इनको यहाँ पे बॉक्स के अंदर डालेंगे और फिर पानी डालने पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो फटाफट से मैं इसके अंदर जो बॉल्स हैं इनको डालना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा जो रिमोट कंट्रोल वाला सिस्टम है यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है और ये हमारा ट्रांसमीटर और इससे हम दूर जाकर इसको आसानी से ब्लास्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इससे जो एक फ्यूज वायर है वो उसे वीआईपी की तरफ अंदर कनेक्ट कर दिया हमने, जैसे हम रिमोट से इसको फायर करेंगे तो ये तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम है इसको जो वीआईपी है इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो इसलिए मैं इससे इसके ऊपर इसको लगा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और ख़राब होने के बाद बिल्कुल भी रिपेयर भी नहीं होते हैं, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है तो इनको भी सेफ्टी देनी पड़ेगी थोड़ी। तो गाइस अब इसके अंदर वाटर डालते हैं और दोनों का रिएक्शन होते ही गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी और फिर इसको हम ब्लास्ट करने वाले हैं। हमने दिवाली के ऊपर आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करके इतना बड़ा वीआईपी बनाया है, इसलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है वो फटाफट से कर लीजिए। इसके अंदर पानी डालते ही इसके अंदर जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, तो गाइज इसके अंदर पानी डल चुका है और इसके अंदर फ्यूज डालते हैं और
जो एल्यूमिनियम की रोल है इसकी सहायता से हम इसको ऊपर से सील करेंगे। फटाफट से मैं इसको सील कर देता हूँ। अच्छी तरह से सील कर दिया है जो गैस है वो बाहर नहीं निकल सके। आप देख सकते हैं हमारा जो सारा सिस्टम वो कंप्लीट हो चुका है और अब इसको ब्लास्ट करने की तैयारी है। सारा काम वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं इधर हमने कैमरा लगा दिया है और इस तरफ वो वीआईपी है। हम बड़ा वीआईपी बनाए जो सूतली बम होता है ना छोटो सूतली बम वो चेबियान को बड़ो बनाया था और बिन गैस की सहायता से ब्लास्ट करा ला। हाँ तो बिन में अभी रिमोट की सहायता से ब्लास्ट करा ला। पास में गया तो वो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ना। मैं दूर से बैटरी मोड से बिन ब्लास्ट कर रहा था या वीडियो बना रहा था। अभी 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर गैस बन चुकी होगी। अब इसको ब्लास्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। 3-2-1 था वो अच्छे से ब्लास्ट तो नहीं हो पाया। फिर भी हमने कोशिश की थी वो अच्छे से ब्लास्ट हो जाए। और गाइज आप देख सकते हैं जो प्रोटीन का बॉक्स है वो फूल चुका है पूरा। भाई जो धमाके से जो इसका नीचे का हिस्सा था वो यहाँ से आप देख सकते हैं टूट गया है। बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुका है, फूल चुका है। और ये सूतली है और भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को हैप्पी दीपावली।